दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो 2021 को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पाई किया गया है। इस बार आपको गाड़ी के इंटीरियर की एक छोटी सी झलक देखने को मिलने वाली है। गाड़ी के अंदर आप देख सकते हो सनरूफ और इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है। दोस्तों न्यू 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो के अंदर फ्रेश ड्यूल टोन डैशबोर्ड के साथ न्यू स्टीयरिंग व्हील्स मिलने वाला है। दोस्तों गाड़ी को पब्लिक रोड पर टेस्टिंग करते हुए स्पाई किया गया है। थैंक्स फॉर लेटेस्ट स्पाई शॉट रस लेन। दोस्तों न्यू स्पाई पिक्चर से रिवील हुआ है कि गाड़ी के अंदर हमें कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलने वाले हैं, स्पेशली गाड़ी की छत पर। दोस्तों आप देख रहे होंगे गाड़ी को अब फ्रेश डैशबोर्ड डिजाइन दिया गया है। जो सामने का सरफेस है वो कंटिन्यू पहले जैसा ही रखा गया है, जिससे फ्रंट रो पैसेंजर के लिए ज़्यादा स्पेस हो सके और गाड़ी के अंदर आपको पहले के जैसे एक ट्रेडिशनल एसयूवी की फील भी आए। और दोस्तों हम देख सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन एसयूवी के अंदर ड्यूल टोन ब्लैक एंड बीच डैशबोर्ड के साथ न्यू रीडिजाइन मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील्स ऑफर करने वाली है कंपनी। दोस्तों आप थोड़ा और ध्यान से देख रहे हैं तो गाड़ी के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलने वाला है। मे बी है हायर वेरिएंट होने वाला है गाड़ी का। न्यू स्कॉर्पियो के अंदर अब आपको सनरूफ भी मिलने वाला है। यह पैनोरामिक सनरूफ नहीं है जो हमें न्यू जनरेशन XUV500 में मिलने वाला है। और दोस्तों आप देख सकते हो डैशबोर्ड के राइट कॉर्नर पर वर्टिकली एसी वेंट्स के ऊपर प्रीमियम सिल्वर एसेंट की फिनिशिंग मिलने वाली है। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम का आपको छोटा सा कोना भी दिखाई दे रहा होगा सेंटर कंसोल के अंदर, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं है कि हम उसके बारे में कुछ और जान सके। दोस्तों गाड़ी को फर्स्ट टाइम जनरेशन अपडेट मिलने जा रहा है। मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर गाड़ी 10 से 20 से 22 लाख तक की सभी गाड़ियों को खुली चुनौती दे सकती है। अब दोस्तों गाड़ी के अंदर हमें न्यू बहुत सारे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। दोस्तों गाड़ी अपने कंपटीटर के साथ फीचर्स के मामले में थोड़ी पीछे रह जाती थी, बट उससे गाड़ी के सेल्स फिगर पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। और दोस्तों अब तो गाड़ी के अंदर आपको वैसे भी बहुत सारे न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट जनरेशन स्कॉर्पियो का डिजाइन पहले के जैसे बॉक्सी ही रखा गया है, बट गाड़ी के साथ अब कुछ न्यू स्टाइलिंग एलिमेंट जरूर ऐड कर दिए गए हैं। और गाड़ी को न्यू लैडर फ्रेम चेस्टी पर बनाया गया है, जिससे गाड़ी के डायमेंशन में काफ़ी बदलाव हुआ है। और दोस्तों एक्सटीरियर के अंदर जो मेनली हाईलाइट चीज़ है, आपको ड्यूल चैम्बर के साथ न्यू एलईडी हेडलैम्प मिलने वाले हैं एंड न्यू एलईडी टेल लाइट्स, अलॉय व्हील, रूफ रेल्स एंड अपराइट डिजाइन लाइन्स मिलने वाली है। गाड़ी प्रोडक्शन मॉडल के अंदर कुछ इस टाइप की होने वाली है। दोस्तों आपको पता है करंट स्कॉर्पियो अभी भी काफ़ी अच्छे से सेल हो रही है, तो महिंद्रा न्यू स्कॉर्पियो को करंट स्कॉर्पियो के साथ ही सेल करने वाला है। और दोस्तों कंपनी ने रिसेंट ही न्यू नेम भी रजिस्टर करवाए थे, स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो स्टिंग। ये नेम हमें न्यू स्कॉर्पियो के प्रोडक्शन मॉडल के अंदर हमें देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों अब इंजन की अगर बात करें तो आपको पता ही है गाड़ी के अंदर हमें न्यू BS6 वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन मिलने वाला है, एक तो जो अराउंड 150 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है। और दोस्तों जो गाड़ी का सेकंड इंजन है वो 2.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन होने वाला है, जिसका डेब्यू हमने 2020 महिंद्रा थार के अंदर भी देखा था। और दोस्तों गाड़ी आपको बोथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ऑफर की जाएगी। जो गाड़ी का हायर वेरिएंट होने वाला है उसके अंदर आपको 4x4 का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों जो गाड़ी की पोजिशनिंग होने वाली है वो महिंद्रा थार और XUV500 के बीच में गाड़ी को बिठाया जाएगा। और यही एक गाड़ी है मिड साइज एसयूवी के अंदर जिसे लैडर फ्रेम चेस्टी पर बनाया गया है। गाड़ी मार्केट के अंदर हुंडई क्रेटा, किया सेल्टोस और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों के साथ कंपटीशन करने वाली है। तो दोस्तों अगर अब भी आपको कोई सवाल न्यू 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो से रिलेटेड है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।